सदन से आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह के निलंबन को लेकर हरियाणा आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता से खास बातचीत की हमारे संवाददाता स्पर्श शर्मा ने। आम आदमी पार्टी के हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। सर, एक मसला सर क्लर्कों का देखने को लगातार मिलता हुआ नजर आ रहा है, उसको लेकर सर आम आदमी पार्टी किस तरीके से आगे बढ़ेगी? आपने भी कहा है कि जो पत्र है वो भी आपने की तरफ से जो है लिखा गया था। मैंने हरियाणा के मुख्यमंत्री को भी पत्र लिखा, मेरा संसद के अंदर भी ये क्वेश्चन उठाने का लगातार मेरी कोशिश है। जिस प्रकार से हरियाणा के क्लर्कों को 19,000 के पे ग्रेड पे बांध के रखा हुआ है, जबकि हरियाणा के चारों तरफ ये पे ग्रेड ज़्यादा है, पंजाब के अंदर भी, चंडीगढ़ के अंदर भी, दिल्ली के अंदर भी ये 35,400 का पे ग्रेड दिया जा रहा है। हरियाणा के क्लर्कों की मांग है कि पंजाब के बराबर उनको वेतन दिया जाए। हरियाणा के अंदर बाकी विभागों में भी उनकी समकक्ष पोस्ट्स के अंदर पे ग्रेड ज़्यादा दिया जा रहा है, उनकी मांग जायज है। खट्टर साहब को ये मांग माननी चाहिए ताकि हरियाणा का जो रुका हुआ काम है वो चले। हरियाणा के ऑफिस स्टैंड स्टिल हो चुके हैं और एक जायज मांग है, जायज मांग को सरकार का हक भी बनता है, वो मांगे। मणिपुर मसले को लेकर लगातार सदन में गतिरोध देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है, आज जो सांसद है संजय सिंह उनको भी निलंबित कर दिया गया। देश को शर्मसार करने वाली घटनाएं मणिपुर के अंदर हो रही है। मणिपुर बॉर्डर स्टेट है जहाँ पे लगातार निरपराध लोगों की हत्याएं हो रही हैं, गोलियां चल रही हैं, अलग अलग किस्म की हथियार वहाँ पे मिल रहे हैं और वहाँ पे बहन बेटियों को भी नंगा करके घुमाया गया। जो कारगिल युद्ध के अंदर सैनिक लड़े, उनका बयान है कि वो अपनी घर और अपनी बीवी को नहीं बचा सके, देश के लिए लड़े। वो श्रीलंका की लड़ाई के अंदर भी गए, वो कारगिल की लड़ाई के अंदर भी गए, परंतु अपने घर की लड़ाई को हार गए। सरकार भाजपा की है, क्यों इतनी बहन बेटियों के प्रति बेरुखी उनकी हो रही है, क्यों ऐसी बेइज्जती? तो मैंने कहीं आज तक, मैं अगर मुगल शासन की बात करूं, अंग्रेजों के शासन की बात करूं, इतनी क्रूरता तो वहां पे भी नहीं हुई। प्रधानमंत्री जी सदन में कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। अब आम आदमी पार्टी और समूची विपक्षी दलों ने अंडर रूल 267 नोटिस दिया था कि हम इस पे चर्चा चाहते हैं, परंतु चर्चा सरकार करने नहीं दे जा रही। आज अपनी सीट से संजय सिंह जी ने लगातार डिमांड की कि 267 में नोटिस पे चर्चा की जाए। माननीय सभापति महोदय ने प्रश्नकाल शुरू कर दिया, जब संजय सिंह की बात को नहीं सुने गए तो उनकी सीट के पास गए, साहब हमारी बात को सुने। तो नेता सदन पीयूष गोयल ने एक प्रस्ताव रखा और उस प्रस्ताव पे बिना चर्चा किए हुए संजय सिंह को सस्पेंड कर दिया गया। सर, इस मामले को आगे आम आदमी पार्टी किस तरीके से लेकर जाएगी? और दूसरा, सरकार का भी पक्ष है, सरकार कह रही है हम जो है चर्चा के लिए तैयार हैं, नियम आप जो 267 की बात कर रहे हैं उसके तहत जो है चर्चा ना हो, दूसरे नियम के तहत। सरकार 2-4 मिनट के लिए चर्चा चाहती है, प्रधानमंत्री आना नहीं चाहते। हमारी मांग है कि इस पर एक विस्तृत चर्चा हो और प्रधानमंत्री जी आए। इस जघन्य कांड के विरुद्ध के अंदर कल आम आदमी पार्टी ने पूरे देश के अंदर, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पूरे देश के अंदर अलग अलग राज्यों में प्रदर्शन भी रखा है। हरियाणा में भी कल सोनीपत के अंदर आम आदमी पार्टी ये प्रदर्शन कर रही है मणिपुर की घटनाओं को लेके, और संसद के अंदर भी हमारा लगातार ये प्रदर्शन जारी रहेगा। तो ये आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता थे जो जनता टीवी से खास बातचीत कर रहे थे। कैमरामैन दीपक चौहान के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी, दिल्ली।